आज मैं पोस्टपार्टम फिजियोथेरेपी पे डिस्कस करना चाहती हूँ। पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद जो फिजियोथेरेपी होती है, क्यों होती है, किन कंडीशंस में होती है, फिजियोथेरेपी के कैसे रिजल्ट्स होते हैं और इसमें कौन सी आवाम जो है ज़्यादा अपनी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हासिल कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम जी, आई एम डॉक्टर शिजा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। अच्छा जी, मैं पिछले 4 साल से अपनी प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज अ कायरोप्रैक्टर लाहौर स्पाइन केयर क्लिनिक में परफॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहले तो डिलीवरी के दौरान ही ख्वातीन में अक्सर ये मसला आ जाता है, लो बैक पेन का, मस्कुलर स्टिफनेस का, उनकी रेंज लिमिट हो जाती है, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ जाता है, स्ट्रेस और फेयर की वजह से डिलीवरी से रिलेटेड स्ट्रेस होता है जिसमें वो अपनी जो है उनके ओवरऑल मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। उनकी स्टिफनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं जिनको गिरह बोलते हैं, मसल नोट्स बन जाते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं। फिर मज़ीद उनको डिलीवरी के बाद वही जो उनके सिम्टम्स आते हैं पेन रिलेटेड आते हैं, मसल्स बहुत ही स्टिफ रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मस्कुलर स्टिफनेस जो है उनकी स्पाइन पे अफेक्ट करती है, उनकी स्पाइन का कर्व यानी कि जो लॉर्डोटिक और कैफोटिक कर्व है उसको डिस्टर्ब करती है और इसमें फिर मज़ीद उनको सिम्टम्स आते हैं कि उनकी इम्पिंजमेंट स्टार्ट हो जाती है, स्पाइन से जितनी भी नसें निकल रही हैं जो आपके रीजन को सप्लाई कर रही हैं, उसमें मोटर और सेंसरी सप्लाई कर रही हैं, उनके एक्टिव होने की वजह से आपके पट्ठों में खून की गर्दिश होती रहती है। लेकिन क्योंकि ख्वातीन इस पे फोकस नहीं करती, उनके मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, उनकी स्पाइन में भी मसला आ जाता है और फिर यही मसला उनकी नर्व पे इम्पिंजमेंट कॉज करता है जिसमें मोस्ट कॉमनली उनको जो है हाइपरलोरोटिक कर्व, पेल्विक उनका टिल्ट हो जाता है, उनका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, शाटिका यानी कि शाटिक नर्व पे इम्पिंजमेंट आ जाती है। अक्सर ख्वातीन कहती हैं कि हमें गर्दन के मसले स्टार्ट हो गए हैं, गर्दन की जो नसें हैं वो दबाव में आ गई हैं और उनके पूरे हाथों में जो है नर्व पेन रेडिएट करता है। तो बेसिकली उन कंडीशंस में हमारे जो फिजियोथेरेपी तरीका इलाज होता है उनको बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उनको इस कंडीशन से निकालता है, इस दर्द से निकालता है और उनको लाइफस्टाइल में एक्टिव करता है। तो बेसिकली हम लोग फिजियोथेरेपी में करते क्या हैं, हम लोग यहाँ पे मोडलिटीज़ के ज़रिए इलाज करते हैं, हाथों के ज़रिए इलाज करते हैं, वर्जिशों के ज़रिए इलाज करते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने सबसे पहले उनके पट्ठों पे फोकस करना होता है। जब उनके पट्ठे सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके गिरहें जो लगी होती हैं मसल नोट्स यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम उनकी स्पाइन पे वर्क करते हैं, उनकी स्पाइन की अलाइनमेंट को रीअलाइन करते हैं। उसके बाद हम जो है उनकी नसों को जो इम्पिंजमेंट में है, दबाव में है, उससे निकालते हैं और फिर अगेन उनकी जो खून की गर्दिश बहाल हो जाती है वो अपने लाइफस्टाइल में बेहतर एक काम कर सकती हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकती हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी में ऐसे मसलों से बच सकती हैं। तो ये उन ख्वातीन के लिए जो बहुत सारी पेन में मुब्तला रहती हैं लेकिन कभी भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाती, कायरोप्रैक्टर के पास नहीं जाती, एडजस्टमेंट नहीं करवाती, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती। तो ये स्पेशली मेरा टॉपिक उन ख्वातीन के लिए था। तो आप भी अगर इस कंडीशन में मुब्तला हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए अपनी कंडीशन को डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके और कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा ख्वातीन जो है अपनी सेहत पे फोकस कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।